हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्रू रिपेयर सो फ्रेंड्स आज हम रिपेयर करने वाले हैं रेडमी नोट टेन का स्क्रीन तो यहां पे दोस्तों हम ग्लास चेंज करने वाले हैं तो ये जो मोबाइल है दोस्तों इसका जो ऊपर का ग्लास है वो टूट चुका है आप देख सकते हो एक कोने से तो ये आप देख सकते हो यहां पे पूरा खराब हो चुका है बट इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों वो बिल्कुल सही है कोई भी दिक्कत नहीं उसमें उसका जो टच स्क्रीन है प्रोपरली वर्क कर रहा है तो यहाँ पे दोस्तों इन डिस्प्ले टच होता है तो वो प्रोपरली वर्क कर रहा है क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है ठीक है खाली हमको यहाँ पे ग्लास चेंज करना है तो किस तरह से दोस्तों चेंज करना है पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा एकदम कम खर्चे में दोस्तों आप ओरिजिनल डिस्प्ले रख के यहाँ पे ग्लास चेंज कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से तो दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया ये वाला ग्लास जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है तो ये मार्केट में अवेलेबल है आप चाहे तो इसको ले सकते हो और मैं जिस तरह से प्रोसेस दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप इसको लगा सकते हो बट यहाँ पे दोस्तों मैं ओसीए मशीन के मदद से लगाऊंगा ताकि ये पूरा ओरिजिनल जैसा हो जाए और लगाने के बाद दोस्तों आपको पता भी नीचे चलेगा ये जो ग्लास है हमने चेंज किया हुआ है ठीक है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख, देख लीजिएगा यहाँ पे जो स्क्रीन है इसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो ओपन करने के लिए दोस्तों इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों इसके बैक साइड को निकाल लेंगे तो बैक साइड को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम कुछ टूल्स ले लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये प्लास्टिक का टुकड़ा तो ये मैंने जुगाड़ किया हुआ है और यहाँ पे है स्टील ओपनर तो उसकी मदद से हम इसको खोल लेंगे ठीक है तो उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे हल्का सा हीटिंग कर देंगे बैक साइड पे ताकि जो अंदर का ग्लू है वो गल जाए और ये बैक जो है आराम से निकल जाए ठीक है तो एकदम हल्का करके इसमें हीटिंग करना है ठीक है तो बैक साइड में हल्का सा हिट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ओपनर है इसकी मदद मतलब से दोस्तों हम एक कोने से हल्का सा इसको इन करेंगे ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको इन कर देना है ठीक है तो इसको इन करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे जो प्लास्टिक का टुकड़ा मैंने लिया है तो ये आपको सिक्स डी इलेवन टेम्पर के पैकेट में मिल जाएगा एकदम फ्लेक्सिबल होता है प्लास्टिक का है तो कुछ इस तरह से इसको इन कर दीजिए और इसकी मदद से दोस्तों आप बैक साइड को ऑपन कीजिए तो इससे क्या होगा दोस्तों जो बैक साइड है वो भी खराब नहीं होगा ये आराम से निकल जाएगा ठीक है इसके अंदर का जो ग्लू है छोड़ देगा और ये आराम से निकल जाएगा तो ये जो बैक है दोस्तों ये प्लास्टिक बैक है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है आप आराम से इसको निकाल दीजिए धीरे धीरे से ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो बैक साइड है ओपन हो चुका है तो हम स्टील ओपनर की मदद से इस तरह से इसको निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुका है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह है अंदर का सेटअप और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और लेयर है तो यहाँ पे दो लेयर होता है ऊपर का एक है मिडिल में एक और होता है तो यहाँ पे जितना भी स्क्रू है दोस्तों सारे को हमको खोलना पड़ेगा ठीक है उसको खोलने के बाद ही हम सेकंड लेयर को निकाल पाएंगे तो चलिए फटाफट से सारा स्कोप को निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा आगे तो यहाँ पे जो कैमरा का जो मॉडल है उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर का जो कनेक्टर है तो उसको सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे तीन दो तीन स्क्रू है उसको खोलने के बाद सबसे पहले तो उसको निकालेंगे उसके बाद सारे स्क्रू को निकाल के हम सेकंड लेयर को निकालेंगे ठीक है तो एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स so यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये निकल जाएगा और उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो कनेक्शन है उसको हम निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद हम ये जो सेकंड लेयर है सारे इसको खुल करने के बाद इसको भी निकाल देंगे ठीक है तो चलिए फटाफट से इसको निकाल के आपको दिखाते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सारा स्क्रूप जो है निकल चुका है तो अब हम क्या करेंगे जो सेकंड लेयर है उसको स्टील ओपनर की मदद से कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे तो एक कोने से थोड़ा सा इसको इन करना है उसके बाद दोस्तों राउंडली घुमाते हुए इसके सारे थ्रेस को हम निकालेंगे तो एकदम ध्यान से दोस्तों अंदर पत्ता वगैरह होता है तो आराम से इसको निकालीजिए इस तरह से मैं इसको खोल रहा हूँ ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड लेयर है आप देख सकते हो खुल चुका है ठीक है बहुत ही बढ़िया तरीके से और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सेटअप अंदर का तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो हम जो बैटरी कनेक्शन है उसको डिस्काउंट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों ये पे जो डिस्प्ले का कनेक्शन है दोस्तों नीचे से है ये है मेन पत्ता जो छप्पी सीबी का मेन पत्ता है उसकी ये और नीचे से दोस्तों डिस्प्ले का कनेक्शन जाता है तो यहाँ पे दोस्तों स्पीकर बिल को हमको खोलना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों जो छप्पी सीबी है उसको निकालने के बाद उसके नीचे से डिस्प्ले का कनेक्शन है तो सारे चीज़ को हम एक फायर स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन है आप देख सकते हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे निकालेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सारे कनेक्शंस को हमने खोल दिया है आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक और पत्ता होता है डिस्प्ले के लिए तो उसको ध्यान से निकाल के नहीं तो ये टूट सकता है तो आपको दोबारा यह नहीं मिलने का चांस बहुत कम है ठीक है तो चलिए अभी हम डिस्प्ले को निकालेंगे उसके पहले दोस्तों हम क्या करेंगे इसको तो डिस्प्ले को हमको बचाना है सेव करना है तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे जो टूटा हुआ ग्लास है उसके ऊपर हम सेलो टेप लगा देंगे ठीक है टेप लगा देंगे इस तरह से मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ आप चाहे तो बड़ा वाला टेप लगा सकते हो इस तरह से छोटा वाला टेप भी लगा सकते हो एक एक करके तो ये जो ग्लास है ये टूट के बाहर ना आना चाहिए ठीक है और जब हम सेपरेटर मशीन में इसको बिठाएंगे तो ये प्रॉपरली बैठ जाएगा सेलो टेप लगाने से ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप टेप लगा दीजिए और उसके बाद दोस्तों हम इसको हल्का सा हीटिंग करेंगे ठीक है हीट मशीन अगर सेपरेटर मशीन है उसको हीट करके रख दीजिए उसमें रख दीजिए तो ये हल्का सा हीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले को हम प्रॉपरली निकाल पाएंगे ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो आपको बढ़िया सा मालूम हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहां से यहाँ पे जो डिस्प्ले है हल्का सा गर्म हो चुका है आप देख सकते हो तो उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे स्टील ओपनर की मदद से एक कोने से थोड़ा सा इसको उठाएंगे ठीक है जहां से प्लेन है टूटा नहीं है वहां से थोड़ा सा हल्का सा उठाएंगे उसके बाद दोस्तों जो प्लास्टिक का टुकड़ा ओपनर है हमने पहले बैक कोवर खोलने के लिए यूज किया था उसको यूज करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल है पतला है तो ये अंदर इन हो जाएगा ठीक है तो उसकी मदद मतलब से दोस्तों बाकी पूरा डिस्प्ले हम खोलेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कॉम्बो है डिस्प्ले है वो निकल चुका है आप देख सकते हो तो बिना खराब हुए आराम से ये निकल चुका है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसके ऊपर जो एक जो एक नेट का टुकड़ा होता है पीस के ऊपर तो वो प्रोटेक्टर हम खोल के रख लेंगे यहाँ पे ठीक है तो ये आपको अलग से नहीं मिलेगा खरीदने को तो आपको ये खोल के रखना पड़ता है बाद में हम इसको फिट कर देंगे ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे अभी सेपरेटर मशीन में इसको सेपरेट कर लेंगे तो तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कॉम्बो है डिस्प्ले है वो सेपरेट हो चुका है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो अगर सेपरेट के लिए किस तरह से आपको सेपरेट करना है प्रॉपरली पूरा प्रो, वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे जो तो ग्लू लगा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे जो ग्लू रिमूवर है मशीन आता है एक अलग से उसकी मदद से हम इसको निकाल लेंगे आप चाहे तो कपड़े की मदद से भी निकाल सकते हो मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डला हुआ है आप जाके देख सकते हो हर एक में अलग अलग तरीके से मैं आपको इसको करके दिखाया हूँ तो प्लीज़ वहाँ पे आप जाके जरूर देखिएगा तो चलिए यहाँ पे ग्लू को हम रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या क्या करेंगे यहाँ पे एक और चीज आपको करना है डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको हम जो डिस्प्ले में चिपका हुआ है उसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे तो किस तरह से करना है मैं प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में जितने भी ग्लू था तो उसको हमने रिमूव कर लिया है तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसको एक बार क्लीन कर लेंगे तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले में पत्ता लगा हुआ है उसको हम रिमूव कर लेंगे तो इसमें जो डिस्प्ले चिपका हुआ है उससे हम थोड़ा सा इसको उठा देंगे ठीक है तो हम प्रॉपरली इसको ओ सी ए मशीन में डाल पाएंगे ठीक है तो इसको अलग करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे जो यही प्लास्टिक का टुकड़ा है ओपनर है इसकी मदद से दोस्तों हम इसको ओपन करेंगे तो इसको थोड़ा सा पत्ते में इस तरह से इन करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एस का ये लिक्विड आता है जो ग्लू रिमूवर उसको आप थोड़ा सा डाल दीजिए ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो ये ग्लू जो है पत्ते में लगा हुआ है वो छोड़ देगा और ये पत्ता ईजीली रिमूव हो जाएगा ठीक है तो एकदम आराम से इसको निकाल दीजिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो पत्ता है रिमूव हो चुका है आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कोई भी पत्ता जो है ख़राब नहीं हुआ है खाली हम इसको डिस्प्ले में से थोड़ा सा इसको रिमूव कर बाद में हम इसको फिर से चिपका देंगे तो इसको इस तरह से रख के अभी हम इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं और ओसी मशीन में भी डाल सकते हैं ठीक है ठीके? नहीं तो क्या होता है जो ये पत्ता अंदर की तरफ रहेगा तो जब ओ मशीन में ये प्रेशर में जाएगा तो ये टूट जाएगा डिस्प्ले ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे पत्ते को सबसे पहले तो इस तरह से निकाल लीजिए तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे उसी क्लीनर से जो उसी ग्लू रिमूवर है उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद जो ग्लास है उसको हम जोड़ देंगे तो किस तरह से करना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले है वो क्लीन हो चुका है कम्प्लीटली तो अभी हम क्या करेंगे ग्लास को जोड़ देंगे इसके साथ तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप चाहे तो यहाँ पे जो फ्रेम है जो मोबाइल का फ्रेम है उसको ले सकते हो उसमें डिस्प्ले को डाल के ऊपर से ग्लास लगा सकते हो और मैं तो इस, इसको डायरेक्टली लगाता हूँ तो आप चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हो अगर आप नए हैं इसमें तो आप पहले तो फ्रेम में रख के ये काम कीजिएगा ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो इसको प्रोपरली दोस्तों चारों ओर से जो कोना है इसको प्रॉपरली बैठना चाहिए नहीं तो डिस्प्ले जो है जो फ्रेम है से ग्लस को तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको जोड़ देना है ठीक है तो इसको जोड़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे अभी इसको ओ मशीन में डालेंगे सबसे पहले तो इसको पंचिंग करेंगे उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे एयर बबल्स आते हैं उसको हम रिमूव करेंगे बबल रिमूवर कर की मदद से तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपरली बैठ चुका है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप अगर नए कर रहे हो तो प्लीज आप फ्रेम में डाल के उसके बाद ग्लस को बिठाइए आप डायरेक्टली इस तरह से मत बिठाइए तो चलिए अभी उसी मशीन में हम इसको डाल देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पंचिंग मशीन तो इसमें क्या होता है दोस्तों जो एक आयरन होता है उसको वो डिस्प्ले को पंच करता है तो ग्लू जो है गल के अच्छी तरह से ग्लस और डिस्प्ले में फैल जाता है और चिपक जाता है ठीक है इसकी मदद से तो इस तरह से दोस्तों ये यह यहाँ पे पंचिंग होगा और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मशीन है वहां पे हम बबुल रिमूव करेंगे थोड़ा सा बबुल रह जाता है अंदर का एयर तो उसको ये बबुल रिमूवर खींच के निकाल देगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैंतालीस डिग्री पे सेट है और सोलह सेकंड के लिए पंच होगा तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है पंचिंग हो चुका है आप देख सकते हो तो थोड़ा सा एक दो बबल्स है यहाँ पे तो उसको हम रिमूव कर लेंगे रिमूवर की मदद से तो हम यहाँ पे इसको पाँच मिनट पे सेट कर देंगे पाँच या छः मिनट आप इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से तो उसके बाद दोस्तों हम इसको इन कर देंगे ठीक है तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिए पाँच या छः मिनट या दस मिनट तक आप दे सकते हो उसके बाद इसको छोड़ दीजिए तो उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जितना भी बबुल्स है सारे को रिमूव कर देगा ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों जब तक हमारा कॉम्बो रेडी होता है तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे जो मोबाइल का जो फ्रेम है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे क्योंकि इसमें ग्लू लगाना है उसके बाद इसको फिट करना है तो पुराना वाला ग्लू अगर रह जाता है कांच का टुकड़ा रह जाता है तो उसमें दिक्कत आ सकती है तो चलिए हम इसको फटाफट से क्लीन कर लेते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्रेम जो है क्लीन हो चुका है और हमारा कॉम्बो जो है वो भी रेडी हो चुका है तो चलिए हम कॉम्बो को निकाल लेते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बो जो है हमारा रेडी हो चुका है तो अभी हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं ये प्रॉपर्टी दोस्तों नहीं? देख थीके? सकते हो कितना क्लीन हुआ है एक भी बबल्स नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी बबल्स नहीं है और पूरा का पूरा पहले जैसा ओरिजिनल वाला हो गया है ठीक है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले जो है ओरिजिनल है टच का क्वालिटी भी ओरिजिनल है खाली ग्लास चेंज हुआ है तो ग्लास तो ओरिजिनल ही होता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए एक बार आपको लगा के चेक करके दिखा देते हैं चली तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑन हो चुका है तो एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत ही बढ़िया कॉम्बो बन के तैयार हो चुका है ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप कॉम्बो बना सकते हो उसी मशीन की मदद से और आप चाहे तो बिना ओसी के भी लगा सकते हो वो भी वीडियो चैनल पे डला हुआ है आप जाके देख सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सारा कॉम्बो रेडी हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेम में ग्लू लगा देंगे तो ग्लू लगाने के बाद तुरंत आपको नहीं लगाना है ग्लू लगाने के बाद करीब करीब आपको बीस से तीस सेकेंड तक आपको वेट करना है उसके बाद दोस्तों आप कॉम्बो को फिट कीजिएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पे फटाफट से ग्लू लगा देते हैं और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा होता है सेंसर वगैरह होता है सामने की ओर वहाँ पे आप ग्लू मत लगाइए ठीक है और भर भर के ग्लू लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और जब भी ग्लू लगाए दोस्तों अच्छा क्वालिटी का ग्लू ही लगाइए ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं और इस टाइम पे हम क्या करेंगे यहाँ पे जो पत्ता हमने खोला था डिस्प्ले से तो उसको वापस अपनी जगह पे चिपका देंगे इस डबल टिप की मदद से ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप डबल टिप ले लीजिए और इसको इस तरह से चिपका दीजिए और यहाँ पे दोस्तों एक प्रोटेक्शन भी मैं यहाँ पे दूंगा ताकि क्या होगा जो ये और भी लॉन्ग लास्टिंग हो ठीक है तो उसको किस तरह से प्रोटेक्शन देना है दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरह से आप डबल टिप लगा के डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको सबसे पहले तो स्टेबल कर लीजिए उसमें फिट कर दीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन हम लगाएंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पत्ता है लग चुका है तो अब हम क्या करेंगे ये जो टेप आता है दोस्तों इसकी मदद मतलब से दोस्तों हम यहाँ पे जो पत्ते के एकदम नीचे है वहां पे एक प्रोटेक्शन लेयर लगा देंगे आप चाहे तो ग्राउंड टेप भी लगा सकते हो वाल वाला तो उससे भी बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं और कुछ इस तरह से आप इसको एक टुकड़ा लगा दीजिए ठीक है तो उसको लगाने के बाद दोस्तों इसको एल शेप में रैप कर दीजिए ठीक है तो कुछ इस उसके बाद दोस्तों ये जो है प्रोटेक्टेड हो गया तो ग्लू जो है अंदर पत्ते के अंदर नहीं जाएगा और पत्ता भी खराब नहीं होगा ज्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कोम्बो जो है रेडी हो चुका है गम भी सूख चुका है तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे जो एयर पीस के ऊपर का जो एक नेट का टुकड़ा होता है प्रोटेक्शन लेयर उसको हमने खोल के रखा हुआ था तो उसको हम वापस अपनी जगह पे अच्छी तरह से बिठा देंगे ठीक है अगर उसमें धूल मिट्टी है तो उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए उसके बाद इसको फिट कर दीजिए ठीक है उसको फिट करने के बाद ही दोस्तों हम कॉम्बो को फिट करेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पे ये यह जो है फिट हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे जो कॉम्बो है उसको फिट कर देंगे तो उसको कॉम्बो को फिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो डिस्प्ले का कनेक्शन है उसको सबसे पहले तो इन कीजिए इन कीजिएगा लेफ्ट साइड में होता है इसका ठीक है तो कुछ इस तरह से इन कीजिए इन करने के बाद दोस्तों आप स्लाइड करते हुए इसको आराम से बिठा दीजिए ज्यादा जोर से प्रेस करने की जरूरत नहीं है आराम से इसको बिठा दीजिए ठीक है तो चलिए दोस्तों पे कॉम्बो जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है आप देख सकते हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको नीचे प्लेन सर्फेस में रख देंगे और उसके बाद दोस्तों एक एक करके जितने भी कनेक्टर्स वगैरह हमने खोले हुए थे जितने प्रॉपरली एक एक बार सारे को हम जोड़ देंगे और लगा देंगे ठीक है चलिए फटाफट से सारे चीजों को लगा देते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल जो है कम्पलीटली फिट हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे गडस की मदद से इसको बांध लेंगे ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों दो या तीन डेब आप इसको लगा सकते हो तो इसको करीब करीब दोस्तों आपको आधे घंटे से लेके एक घंटे तक रखना है उसके बाद आप इसको रिमूव कर दीजिए तब देखिएगा कितना बढ़िया सा ये फिट होता है ठीक है तो ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसको बांध लीजिएगा तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह का नॉर्जुअल वीडियो मेरे चैनल में मैं डालता रहता हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते एक और नए बड़ी तब तक के लिए नमस्कार बंदे मातराम